हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मेकअप टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपना कंप्लीट मेकअप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। और गाइस, मेकअप करना किसे पसंद नहीं होता, हर लड़की को मेकअप करना पसंद होता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मेकअप करना तो सबको ही पसंद होता है। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छा मेकअप कर लेती हैं, बट कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो मेकअप के स्टेप्स तो जान लेती है बट मेकअप को ठीक तरीके से नहीं कर पाती हैं। इसके पीछे दो रीज़न है, पहला मेकअप का सही ऑर्डर ना पता होना, और दूसरा मेकअप के हर प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है ये ना पता होना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरीके से हमें मेकअप में सबसे पहला प्रोडक्ट यूज़ करना और किस तरीके से हमें उसे यूज़ करके अपना मेकअप को कम्प्लीट करना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कि हमें किस तरीके से अपना कम्प्लीट मेकअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि अपने फेस को टोनिंग करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोज़ टोनर अप्लाई कर रही हूँ। टोनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टोनर से आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा, आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और टोनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी हो या सर्दी, बहुत लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। तो आपको गर्मियों के मौसम में भी स्किन को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप अच्छे से अपने पूरे फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हो, जो आप डेली वेज में यूज़ करते हैं, आप उसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्राइमर। तो आपके पास कोई भी प्राइमर हो, ब्लू हेवन का, या फिर आप प्राइमर के तौर पर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आपको देखिए इस तरीके से फिंगर टिप की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है। प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारे बेस को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। पर आपको इस तरीके से टैप करते हुए अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है। जहाँ पर भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, आप प्राइमर को वहाँ पर सबसे ज़्यादा लगाएं। उसके बाद अगला स्टेप है फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पर मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और गाइस, फाउंडेशन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेना है। अगर आप स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन नहीं लेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपके फेस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको फिंगर टिप की हेल्प से अपने पूरे फेस पर डॉट डॉट करके फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, और ब्यूटी ब्लेंडर को आपको पानी में अच्छे से डिप करके उसे बहुत ही अच्छे से निचोड़ कर आपको अपने फेस पर इस तरीके से टैप टैप करते हुए फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। आप इसे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो। ये देखिए इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही अच्छा आपका फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी पैची नहीं लगता और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है फाउंडेशन आपको अपने कानों पर भी अच्छे से अप्लाई करना है और अपने नेक पर भी अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि आपका जो फेस का और आपके नेक का कलर है वो सेम लगे। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे कि बहुत लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप अपने आईज़ के अराउंड कंसीलर को यूज़ कर लीजिए। और मैं अपने आईज़ के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ। और कंसीलर हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने फेस के कुछ पार्ट को हाईलाइट कर सकें। जैसे कि मैं अपने नोज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, अपने फॉरहेड पर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मैं इस पार्ट को अच्छे से हाईलाइट कर सकूँ। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपके फेस पर कहीं पर डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो उसको छुपाने के लिए कंसीलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो मैं यहाँ पर मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ब्रश की हेल्प से या फिर किसी भी कॉटन पैड की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, और या फिर आप उन एरिया पर भी अपने फेस पर लगा सकते हैं जहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो फिलिंग। तो आपको अपनी आईब्रो फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर लेंगे और अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल इन नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी आईब्रोज़ को भी अच्छे से फिल कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आई मेकअप। आईब्रो फिलिंग के बाद बारी आती है आई मेकअप की। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा आई मेकअप करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ स्टेप्स बताने हैं कि मेकअप में किस तरीके से क्या करना है। तो मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, जो मैं अपनी क्रीज लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। क्रीज लाइन पर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का शेड ले रही हूँ, जिसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने आईलेट के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज, आपको मेकअप करते समय इन ऑर्डर का ध्यान ज़रूर रखना है कि सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आई मेकअप को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद बारी आती है लाइनर की। तो मैंने यहाँ पर लाइनर अप्लाई नहीं किया, आप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लाइनर लगाना पसंद है तो। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लशर। तो आप इस तरीके से अपने फेस पर, अपने चीक्स पर ब्लशर अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फेस के जिस भी पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं आप इसे वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। हाईलाइटर मैं अपने नोज़ के ऊपर भी अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरे आपको जो भी अपने फेस का पार्ट हाईलाइट करना है आप हाईलाइटर को वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आपको लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स को लाइनिंग देनी है, क्योंकि लिपस्टिक फैल जाएगी अगर आप लिप पर लिप लाइनर नहीं लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले लिप लाइनर यूज़ ज़रूर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये मैट लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आपके लिप्स पर पैची भी नहीं होती और बहुत ही अच्छी है। तो देखिए इस तरीके से अपने लिप्स पर पूरे तरीके से मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली। और मेकअप का लास्ट स्टेप है अपने मेकअप को सेट करना। तो मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, और गर्मी में अगर आपको पसीने की प्रॉब्लम हो जाती है, पसीना आता है, तो इससे आपका मेकअप है वो बहेगा भी नहीं। तो आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर अप्लाई करें। तो मैंने यहाँ पर अपना कंप्लीट मेकअप कर लिया और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस मेकअप हुआ है। आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप बहुत ही ईजिली अपना अच्छा कंप्लीट मेकअप कर सकते हैं, और पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अपना मेकअप फ्लॉलेस रख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।